हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले हफ्ते से ही जब से रिजल्ट की बात हम कर रहे थे तो उसी टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। और मेरी हर वीडियोस में पूरे जो कमेंट बॉक्स हैं वो SOL के स्टूडेंट के कमेंट से ही भरे हुए हैं। और एक ही सवाल स्टूडेंट पूछ रहा है, सर SOL का रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। और अभी ना तो पेपर का कोई डिस्कशन हो रहा, ना ये डिस्कशन हो रहा कि सर स्टडी मटेरियल को लेके ज़्यादा, सब एक ही चीज़ पूछी जा रही है, वो ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में आपको अपडेट दिया था कि जो रिजल्ट है इस हफ्ते आएगा, बट हमें दुर्भाग्यपूर्ण उस हफ्ते रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट आने का जो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसीजर है, एक सवाल पैदा करता है दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच पे, क्योंकि उनकी तरफ से जब ये अपडेट दिया गया था कि जो रिजल्ट है वो रेगुलर के कोर्सेज के साथ निकाले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, जो कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के भी मन में एक परेशानी सी पैदा कर देता है। बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट अभी इतने इम्पॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं। तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो तो आपके कंटिन्यू अभी होंगे, मई से एग्ज़ाम्स होंगे। टेंटेटिव डेट शीट पहली आ चुकी है, अब फाइनल डेट शीट भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट मैं देख रहा था कि एक स्टूडेंट ने बड़ा अजीब सा कमेंट ये किया, सर स्टडी मटेरियल कब मिलेगा बीए प्रोग्राम का 4th सेमेस्टर का, जो कि अभी तक आप सभी को पता होगा अवेलेबल नहीं है। बट उसने उसके बाद जो कमेंट किया, उसने कहा कि सर स्टडी मटेरियल को छोड़ो, आप हमें रिजल्ट बता दो, रिजल्ट किस दिन आएगा। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ रिजल्ट को लेकर, कि रिजल्ट जो है वो आपका आएगा तो ज़रूर, इतना आप नोट कर लीजिए। अभी आपकी कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या रिजल्ट अगले जन्म में तो आ ही जाएगा ना, तो अगला जन्म लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी जन्म में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये हर बार होता है, कोई ये वैलिड टाइम नहीं है। हाँ, उन स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है जो 2023 बैच से बिलोंग करते हैं, बाकी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने खुद देखा है 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट कब जारी किया गया था पिछले साल, ठीक है। तो आपके लिए कोई नई बात ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है, एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से निकल के सामने आई है कि अभी SOL की तरफ से जो इंटरव्यू असेसमेंट के जो मार्क्स है 1st और 3rd सेमेस्टर के, वो SOL की तरफ से एग्जामिनेशन ब्रांच को भेजे नहीं गए हैं, जो कि ये लास्ट अपडेट हमें मिला है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो रिजल्ट है वो डिले किया गया 1st और 3rd सेमेस्टर का, क्योंकि जब तक असेसमेंट के जो नंबर है जब नहीं आएंगे तब तक रिजल्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जो करेंटली जो अपडेट ये है कि SOL की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है, जो मार्क्स है, वो भेजे जा रहे हैं, और जैसे ही भेज के प्रोसेस हो जाएंगे रिजल्ट, और आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब लेटेस्ट जो इंटरव्यू निकल के सामने आया है OSD का, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का, उनकी तरफ से ये बोला गया है कि रिजल्ट जो है हमें इस हफ्ते के लास्ट वीक से देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो अपडेट है उन्हीं की तरफ से जो आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, कि इस बार भी बोला गया कि इस लास्ट वीक से रिजल्ट निकालना हम शुरू करेंगे। अब ये रिजल्ट किस सेमेस्टर के पहले आएंगे इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी जो रेगुलर कोर्सेज के जो रिजल्ट आ रहे हैं उन पे भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि किन कोर्सेज के पहले आ रहे हैं, किन के बाद में आ रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट तो आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट हर दिन आ रहे हैं, कल भी रिजल्ट आए, आज भी रिजल्ट निकाले जाएंगे, रिजल्ट तो आते रहेंगे, रिजल्ट आना बंद नहीं है। तो अभी रेगुलर कोर्सेज के चल रहे रिजल्ट, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं SOL की। तो SOL को लेकर जो अपडेट अब ये दिया गया है कि इस हफ्ते के लास्ट वीक से जो रिजल्ट है वो जारी होना शुरू हो जाएंगे। बट मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप लास्ट वीक ऑफ मार्च तक का वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अल्टीमेटम दे के नहीं चलूँगा कि इस वीक तक आ ही जाएगा। मैंने दोनों अपडेट आपको दे दिया है, इस हफ्ते लास्ट वीक तक का जो अपडेट दिया है वो एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से दिया गया है, और मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूँ एक कहते हैं कि अनुमान कि मार्च एंड से एंड तक जो रिजल्ट है कई कोर्सेज के हमें SOL के देखने को मिल जाएंगे। तो अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बाकी स्टडी पे हमने ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, रिजल्ट आ ही जाएगा, रिजल्ट कहीं रुकेगा है नहीं, और प्लीज़ थोड़ा सा अपना कॉपरेट कीजिए हमारे साथ भी,
और जो कमेंट्स आप करते हो थोड़ा सा कमेंट्स ठीक से किया कीजिए। और आप काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो एब्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बहुत जो कि बहुत गलत बात है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। रिजल्ट अगर आना होगा तो हम आपको बता देते हैं, जैसा हमने कल भी आपको अपडेट दिया। रेगुलर का आता है, हम रेगुलर का बता देते हैं, एनसीएफ का आता है, एनसीएफ का बता देते हैं। रिजल्ट निकालना मेरे हाथ में नहीं है, ये चीज़ को आप बार बार मैं बोलता हूँ आपसे। और रिजल्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि रिजल्ट डिले होने का जो मेन कारण यही बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है वो अभी भेजे नहीं गए, जो कि अब भेजना शुरू कर दिया गया है। और अब लास्ट वीक, इस हफ्ते के लास्ट वीक का टाइम दिया गया है कि इस वीक से रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब आप भी वेट कर लीजिए, हम भी वेट ही कर रहे हैं, आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट है उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके इंटरनल असेसमेंट नहीं होते हैं, तो उनके रिजल्ट हो सकता है कि इस हफ्ते के लास्ट तक हमें देखने को मिल जाए। बाकी अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी थोड़ा लफड़ा पड़ रहा है एसओएल का। क्या लफड़ा पड़ रहा है? लफड़ा ये पड़ रहा है कि जो प्रोफाइल अपडेट वाला जो सिस्टम है वो एसओएल के स्टूडेंट को भी करना है। बट ये चीज़ आप नहीं करोगे, ये चीज़ करेंगे कॉलेज वाले, एसओएल करेगा। तो एसओएल जैसी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तभी आप अपना रिजल्ट जो है वो देख पाओगे। तो ये सब उनकी हेडिंग है, आपकी हेडिंग नहीं है, आपकी हेडिंग है, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आप देखोगे, सिंपल सी बात है। तो इस वीक तक आप वेट कर लीजिए, बाकी तो मैं हर बार ये कहता हूँ, वरना लास्ट वीक और मार्च तक तो रिजल्ट आपको कुछ कोर्सेज के देखने को मिल ही जाएंगे। बस यही वीडियो थी, और काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपडेट देने में भी ना मुझे ना मन नहीं करता, सही बता रहा हूँ। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि अपडेट मैं देता हूँ जो भी एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से आता है, ओएसडी की तरफ से जो भी इंटरव्यू में बोला जाता है, देन उसके बाद होता क्या है, रिजल्ट नहीं आता। तो इसी वजह से अब जो भी है मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप देख लीजिए और हम भी देख ही रहे। और एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, रिजल्ट सबका आएगा, आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे इस चैनल के माध्यम से। और बाकी हाँ, डिले तो हो रहा है, ये चीज़ तो है, और रिजल्ट आ ही जाएगा, एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले तो आपको रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। बस छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, बिल्कुल ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, फेल पास तो लगा ही रहता है, पास हो जाओगे मैक्सिमम स्टूडेंट। मैं ये कहूँगा रिजल्ट अगर डिले भी हो रहा है तो सारे पास हो जाएँ, अच्छा रिजल्ट आए, सारे अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, जरूर बताएगा कैसी लगी हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक अपडेट देने की, जो भी लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।